लालची दोस्त। सुंदरपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत भोला था, किसी की भी बात में आ जाता था। उसकी माँ दुलारी की दुकान थी, जिससे वह अपना गुजारा किया करते थे। छोटी सी दुकान में वह दिनचर्या की सामान बेचा करती थी। चिंटू स्कूल से आकर शाम को दुकान पर बैठता था। माँ बोलती है, चिंटू मैं घर जा रही हूँ बेटा, तुम दुकान का ध्यान रखना, ठीक है? माँ तुम जाओ, मैं दुकान का ध्यान रख लूंगा। अगले दिन स्कूल में बंटी का दोस्त कहता है, चिंटू भाई मेरा चॉकलेट खाने का बहुत मन है, पर मेरी माँ मुझे नहीं देती। क्या तुम मुझे अपनी दुकान से चॉकलेट लाकर दे देगा? तू रो मत, मैं तुझे चॉकलेट लाके कल दे दूंगा, ठीक है? चिंटू अपने दोस्त के लिए चॉकलेट ले आता है। ऐसा हर रोज होने लगता है। चिंटू का दोस्त रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर चिंटू से चॉकलेट लेता रहता है। माँ बोलती है, बेटा कई दिन से देख रही हूँ कि चॉकलेट का डब्बा जल्दी ख़त्म हो गया, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पैसे गले में कम जमा हो रहे हूँ? चिंटू धीरे से बोलता है, माँ मुझे नहीं पता, मैं तो पैसे इसी गले में डालता हूँ और किसी को उधार भी नहीं देता। माँ बोलती है, चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगी। वह स्कूल चला जाता है। उसका दोस्त कहता है, ला भाई चॉकलेट। चिंटू चॉकलेट दे देता है। तू कितना अच्छा दोस्त है मेरा, मेरा ख्याल रखता है भाई। चिंटू चला जाता है। चिंटू के जाने के बाद उसका दोस्त सभी दोस्तों के साथ चिंटू का मजाक बनाता है। कहता है, देखा कैसे पागल बनाया मैंने इस चिंटू का, हा हा। चिंटू की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो दुकान पर उसकी नानी आकर बैठ जाती हैं और वह दुकान का सही से हिसाब किताब रखती हैं। चिंटू शाम को दुकान आता है। नानी से कहता है, आप जाओ मैं दुकान देख लूंगा नानी। नानी बोलती है, बेटा मैं तेरे साथ दुकान पर रहूंगी तो मेरा मन लगा रहेगा, घर पे मैं क्या करूंगी? वह सोचता है कि चॉकलेट कैसे निकालूं, अब तो नानी देख लेंगी। पर वह चुपके से चॉकलेट निकाल लेता है। उसकी नानी सब समझ जाती है और चिंटू को समझाती हैं, बेटे चिंटू ये चॉकलेट तुम रोज रोज कहाँ ले जाते हो? मुझे पता है तुम इसे खाते तो हो नहीं, पर क्या करते हो? चिंटू नानी को सब कुछ बता देता है। नानी बोलती हैं, बेटा कभी भी धोखे से या झूठ बोलकर कोई काम नहीं करना चाहिए। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं तुम्हारे भोलेपन का, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अपनी ही दुकान से इतने समय से तुम चॉकलेट ला रहे थे, उसे दे रहे थे, इससे तुम्हारी दुकान का नुकसान होगा। तुम्हारी माँ पढ़ाई के लिए क्या क्या कर रही है तुम्हारे लिए?
चिंटू को सब बात समझ आ जाती है। फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, उसने यह सोचा। उन दोस्तों को नानी ने बहुत अच्छा सबक सिखाया और वह कभी भी चिंटू का बेवकूफ नहीं बना सकेंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है, जीवन में हमें अपनों के साथ कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ से कभी भी सफलता हासिल नहीं होती।